कच्चा बादाम गाने वाले सिंगर भुवन बड़ाकर से जुड़ी एक शॉकिंग खबर आई है। भुवन बड़ाकर सोमवार रात एक हादसे का शिकार हो गए हैं। इस हादसे में वो जख्मी हो गए हैं और उन्हें स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार भुवन कार चलाना सीख रहे थे और इस दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। इस दौरान उन्हें शरीर में कई जगहों पर बुरी तरह से चोटें आई हैं। फिलहाल वो अस्पताल में इलाजरत हैं। उन्हें सीने में भी चोट आई है। आपको बता दें कि भुवन बड़ाकर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रहने वाले हैं। भुवन मूंगफली बेचकर गुजर बसर करते थे। मूंगफली बेचने वाले भुवन ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कच्चा बादाम गाना गाया। वे परिवार का पेट पालने के लिए रोजाना मूंगफली बेचकर 200 से 250 रुपए तक कमा लेते थे। किसी ने उनका कच्चा बादाम गाना अपलोड कर दिया और वो वायरल हो गया। लोगों ने जमकर उनके गाने पर वीडियो और इंस्टाग्राम रील्स बनाए। इसके बाद भुवन बड़ाकर की जिंदगी अचानक बदल गई। पश्चिम बंगाल के क्लब में गाने का ऑफर भी मिला। भुवन ने क्लब में परफॉर्मेंस के बाद कहा था, मैं आज आप सबके बीच परफॉर्म कर बहुत खुश हूँ। इसके बाद उन्होंने अपना वायरल सॉन्ग कच्चा बादाम गाया और दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। कुछ दिनों पहले म्यूजिक कंपनी ने भुवन को 1.5 लाख रुपए उनके अपकमिंग ट्यून के लिए रॉयल्टी के तौर पर दिए हैं। आपको बता दें, 50 वर्षीय भुवन का गाना इस कदर सोशल मीडिया पर छाया है कि शायद ही कोई होगा जो उनके कच्चा बादाम से वाकिफ नहीं हो। अब सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।